और लालू राबड़ी मोर्चा के जरिए पूरे बिहार में जहाँ चुनाव जो हो रहा है वहाँ पे जहाँ जहाँ पार्टी के समर्पित जो राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित जो सिपाही रहे हैं जो 15-20 साल से जो पार्टी में अपना अहम भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं और पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए हम मोर्चा खोलने का काम किए हैं। और हमने तेजस्वी जी से भी और लालू जी से भी तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई थी और परसों ही तेजस्वी जी से हमारी बात हुई थी। हमने अंगेश जी का नाम देने का काम किया था, चंद्र प्रकाश जी हैं और आज हाजीपुर से हैं, बलिंदर जी हैं और राजन तिवारी जी हैं, तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज हम पीसी कर रहे हैं, आप लोग के चैनल के माध्यम से हमको बोलने का मौका मिल रहा है और हमने अपनी बात को रखने का काम किया कि हमको 2 सीट चाहिए शिवहर और एक जहानाबाद के लिए। जहानाबाद के लिए जो नाम उन्होंने अनाउंस किया है सुरेंद्र यादव का, वो 3 बार से हारते चले आ रहे हैं और ये जनता में पूरे तरीके से आक्रोशित है। पूरी जनता इनको नहीं चाहती है, जनता चाहती है कि नौजवान को दिया जाए जो उनके लिए काम करेगा, उनके लिए विकास का गंगा बहाने का काम करेगा। तो इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए हमने मोर्चा खोलने का काम किया और जो पार्टी में जो राष्ट्रीय जनता दल में जिस तरीके से लोग जो डेरा बना करके जो उल जुलूल जो बात करने का जो इन लोगों ने जो काम किया है, जो शायद तेजस्वी जी के पैर के नीचे जो जिस तरीके से उनके सीट के नीचे जिस तरीके से ये लोग जो डेरा बना करके अनाप शनाप जो भाई भाई को और परिवार को जो बदनाम करने की जो साजिश रच रहे हैं, तो हमारे आगे जो लड़ाई है उसमें दुश्मन फायदा लेगा। जो आरएसएस है, जो बजरंग दल है, जो भाजपा के लोग हैं, ये लोग जो डेरा बना करके जो पूरे बिहार को पूरे हिंदुस्तान को जो तिल तिल करके जो एक दीमक जिस तरीके से दरवाजा में लग जाता है उसको जो खाने का काम करता है, उसी तरीके से ये लोग तिल तिल करके ये लोग खाने का काम कर रहे हैं। कौन है ये लोग सर? अरे हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि ये लोग वही लोग हैं जिस तरीके हमने पहले भी कहा है, जो इर्द गिर्द जो है वहाँ भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं, इधर का बात उधर करने का काम करते हैं। अगर इधर इन्हीं लोग में हम उलझ करके रह जाएंगे, अच्छे अच्छे नौजवान भागते रह जाएंगे, तो हमारे देश का और हमारा पार्टी का ऊंचाइयों तक हमारा पार्टी नहीं जाने वाला। मोर्चा लड़ेगा जो जो 20 सीट पे जो हो रहा है, हम 200 सीट को देखने का काम करेंगे अपने तरीके से और ऐसे लोगों को दिया जाए, ऐसे लोग को कैंडिडेट जो होंगे वो लोग जो निष्पक्ष होंगे, निर्दलीय होंगे, तमाम लोग हमारे संपर्क में हैं वो लोग, तो जिसको पार्टी दरकिनार जो पार्टी कार्यकर्ता से चलता है, नौजवान से चलता है, यूथ से चलता है, महिलाओं से चलता है, तमाम लोगों से पार्टी चलता है, तो ऐसे लोगों को नजरअंदाज नहीं किया जाए। हम फिर बोलना चाहते हैं लालू राबड़ी जी का आशीर्वाद तो तेज के पास हमेशा शुरू से है, हम शुरू से कहते आ रहे हैं। गांधी मैदान में भी, रैली में भी हमने कहा है कि अर्जुन मेरा तेजस्वी है, उसके लिए हमको मेहनत करना है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं इससे हम लोग लड़ाई जीतने वाले नहीं हैं। सर नुकसान राजद को नहीं होगा, लगता है आपको नुकसान होगा? हम सारण से हमने यहाँ चैनल भी हुआ आज हमारा, तो उसमें हमने चैनल में भी हमने बोला कि सारण का सीट जो है शुरू से आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की सीट रही है, हमारी माता की सीट रही है। हम माता को निवेदन करना चाहते हैं, हाथ जोड़ करके भी निवेदन करना चाहते हैं कि उस सीट से वो चुनाव लड़ने का काम करें। अगर वो नहीं लड़ती हैं तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और उसको जीतने का काम करेंगे। आप किस किस मोर्चे से आप समर्थन और पूरे बिहार का समर्थन? एक बैनर दिख रहा है, लालू राबड़ी मोर्चा है,
लालू राबड़ी मोर्चा के जरिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे। ये जो लालू राबड़ी जो राष्ट्रीय जनता दल आपका क्या होगा सर, राजन तिवारी जी भी लड़ेंगे क्या? कैंडिडेट मिलता है जो निर्दलीय निर्वाचन आयोग जो निर्धारित करता है उस पे लड़ने का काम करेगा। लड़ करके जीत करके लालू जी से आशीर्वाद तेजस्वी का हाथ खोलने लगता है। किशोर है कि आप कृष्ण है क्या कृष्ण की बात अर्जुन नहीं मान रहे हैं? तेजस्वी की आँख क्यों नहीं खोल रहे हैं? कृष्ण की बात अर्जुन मानते हैं। अर्जुन से हमारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो जा रहे थे मौर्या में महागठबंधन की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे जाने से पहले भी हमारी एक दो दिन पहले बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं एक दो दिन में भाई आपको बुलाऊंगा, आप बैठ करके हम लोग डिस्कस करेंगे इसको सबको क्लियर शॉर्ट आउट करने का काम कर रहे हैं। तो अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया और चुनाव एकदम नजदीक आ गया है और डेट पे डेट आ रहा है तो इसलिए हमने उस मोर्चा को खड़ा करने के सारा से आप लड़िएगा। पार्टी क्या कार्रवाई करेगी मेरे खिलाफ? पार्टी हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? जनता जो चाहेगा वो करेगी क्योंकि जनता को अनसुना नहीं करना, जनता को लेकर के चलने का काम करना है क्योंकि आज जो हम यहाँ हैं हम जिस अपने बदौलत नहीं हम जनता के बदौलत है, हम जनता के बदौलत यहाँ पे उतर करके और जनता का काम करने का हम काम कर रहे हैं। राजद की मोर्चा दोनों एक ही है, तेजस्वी जी भी हमारे साथ है, तेजस्वी जी का भी हमने यहाँ फोटो लगाया है और श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं, मीसा भाटी जी का भी है, लालू जी का यहाँ पे फोटो है, यहाँ पे तमाम लोगों का फोटो हम लेकर के घूमने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे। बीजेपी को क्या फायदा होगा? बीजेपी तो ऐसा ही खत्म हो रहा है, बीजेपी को अरे भाई तुम्हारा मोबाइल आ रहा है यार, पीछे तो उठा ही नहीं। हम आपको बता देंगे जब नॉमिनेशन करा जाएंगे। छपरा सीट जीत रहे हैं ना सर? पुश्तैनी सीट रही है लालू जी की, वो पुश्तैनी सीट रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी की राय बरेली है उसी तरीके से वो पुश्तैनी सीट रही है। हम वहाँ से लड़ेंगे तो क्या नहीं जीतेंगे? इस्तीफा देना पड़ेगा पहले आपको? इस्तीफा दे देंगे? इस्तीफा कोई बड़ी चीज है क्या? यहाँ जनता बेहाल है, बिहार में बेहाल है, रोज तांडव मच रहा है, रोज हत्या हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है। यहाँ इस्तीफा की आप बात करते हैं, इस्तीफा कोई चीज होती है क्या? जनता चीज होती है, जनता को हम लेकर के चलने का काम। चंद्रिका जी बोले हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, हमारी माता जी लड़े वहाँ से, ये हमारा कहना है, हमारी माता जी लड़े पूरा फ्रेम में धन्यवाद 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 चंद्र प्रकाश जी है, राजन तिवारी जी है, सब लोग ये हाजीपुर से है, शंकर दास जी हाजीपुर लोकसभा से बोल रहे हैं, हाजीपुर लोकसभा बलिंदर दास, ये बलिंदर दास संख्या 20 तक पहुँच जाएगी जो अभी 4 आप बता रहे हैं।